मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। महाराष्ट्र के नागपुर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। आपको बता दें कि एक स्कूल बस रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे पटरियों पर फंस गई थी। इस दौरान क्रॉसिंग के दोनों गेट बंद हो गए थे क्योंकि कुछ ही देर में वहां से ट्रेन गुजरने वाली थी। बस में कुल 40 स्कूली बच्चे थे। बस फंसने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले को लेकर एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि एक स्कूल बस नागपुर में एक रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे पटरियों पर फंस गई थी। हादसे के दौरान लोको पायलट और स्थानीय लोगों के समय पर हस्तक्षेप से 40 स्कूली छात्रों की जान बची। खबरों के मुताबिक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये घटना शुक्रवार शाम करीब 4 बजे खापरखेड़ा में हुई, जब स्कूल बस ड्राइवर ने रेलवे क्रॉसिंग पर लाल सिग्नल देखने के बाद भी बस नहीं रोकी। बताया जा रहा है कि बस पटरी पर थी और लेवल क्रॉसिंग के दोनों गेट बंद हो गए क्योंकि ट्रेन वहां से गुजरने वाली थी। स्थानीय लोग ट्रेन ड्राइवर को रुकने का संकेत देने के लिए पटरियों पर जमा हो गए। रेलवे क्रॉसिंग के बीच स्कूल को बस को देखकर गेट कीपर और वॉकी टॉकी के जरिए अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चूंकि पटरियों पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे, इसलिए कुछ गड़बड़ होने का अभ्यास होने पर लोको पायलट ने ब्रेक लगाया और रेलगाड़ी को लेवल क्रॉसिंग से पहले ही रोक दिया गया। इसके बाद बस को दूसरी तरफ ले जाया गया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा यहां टल गया। अयोध्या बात मारे वो ए दादा ते ट्रेन वो रुक गई ट्रेन की उसका लेबर लेबर ते ट्रेन थाम दी जाके गिव चालू है। भाई मोबाइल यार लेके लग रहा है जैसे अरे भाई प्रिंट मीडिया से अरे मीडिया से है लेकिन फिर भी थोड़ा यहाँ देख रहे हैं।